रॉयल चैलेंजर बैंगलोर किंग विराट कोहली की आईपीएल की टीम है और आरसीबी आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा प्लेऑफ के मैच खेलने की लिस्ट के अंदर नंबर 3 पर है। पहले नंबर पर है चेन्नई, दूसरे नंबर पर है मुंबई और तीसरे नंबर आरसीबी है, लेकिन फिर भी आज तक फाइनल क्यों नहीं जीत पाई। तो बस हमारी आज की वीडियो का टॉपिक भी बस वही है कि आरसीबी किस वजह से फाइनल जीत नहीं पाती या फिर क्वालिफाई नहीं हो पाती। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली वजह बेस्ट बल्लेबाज। अब कुछ लोग कहेंगे कि बैट्समैन तो आरसीबी की बहुत बड़ी ताकत है और मैं उसको कमजोरी कह रहा हूं। तो जी हां दोस्तों, मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि आरसीबी की बैटिंग लाइन भी कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी मैचों के अंदर या फिर इंपोर्टेंट मैचों के अंदर कहीं ना कहीं पर टूटी हुई नजर आती है और जितना परफॉर्मेंस उसको देना होता है उतना परफॉर्मेंस दे नहीं पाती है। अब पिछले आईपीएल की ही बात कर लेते हैं। विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी के जाने के बाद सिर्फ मैक्सवेल ही था जो पारी को संभाल रहा था, बाकी किसी बल्लेबाजों को रुचि ही नहीं थी, सभी को पवेलियन जाना था। और ये कहानी सिर्फ पिछले आईपीएल की नहीं है, हर आईपीएल की यही कहानी है। जब एबीडी खेलते थे तब भी उसके साथ यही होता था, विराट कोहली एबीडी दोनों मिलकर पारी को संभालते थे, बस बाकी के सभी बल्लेबाज बस पवेलियन बैठा बैठा तालियां बजाते थे, बच्चा खेल रहे हो। मतलब आरसीबी की हर बार की कहानी यही है कि ओपनिंग जोड़ी चली गई और वन डाउन प्लेयर चला गया, बाद में कोई प्लेयर को खेलने में रुचि ही नहीं है और बाकी की सारी के सारी टीम 100 रन के भीतर सिमट जाती है। और इसीलिए शायद आरसीबी के नाम दो बड़े रिकॉर्ड है। पहला रिकॉर्ड यह है कि सबसे लो स्कोर पर ऑल आउट होने वाली टीम भी आरसीबी है, जो 49 रन पर ऑल आउट हो गई थी। और दूसरा रिकॉर्ड यह है कि सर्वाधिक स्कोर करने वाला, मतलब हाई स्कोर करने वाला भी रिकॉर्ड आरसीबी के पास है, क्योंकि उस दिन उसके बल्लेबाज चल गए थे और सबसे हाई स्कोर था 264। तो यहाँ पर साफ साफ मतलब यही है कि जब आरसीबी की बैटिंग लाइन चलती है तो शाम तक पहुंच जाती है और जब नहीं चलती तो शाम होते होते निपट जाती है, मतलब पूरी की पूरी ऑल आउट हो जाती है। अब बात करूं मैं दूसरी वजह की, तो दूसरी वजह यह है कि हर बार आरसीबी की बॉलिंग लाइन का प्रदर्शन बेकार से बेकार हो जाता है। अब आरसीबी की इस आईपीएल के अंदर ही बॉलिंग लाइन वीक नहीं है, लेकिन आरसीबी की हर बार की कहानी है कि उसकी हर आईपीएल के अंदर उसकी बॉलिंग लाइन पूरी तरीके से तितर बितर और कमजोर नजर आती है। और आरसीबी की बॉलिंग लाइन तो खास तो तब वीक नजर आती है जब सामने वाली टीम को रन चांस नहीं करने देना होता और उसकी टीम को ऑल आउट करना होता है, लेकिन वो काम कर नहीं पाती आरसीबी की बॉलिंग लाइन। अब आरसीबी वालों की बैटिंग लाइन तगड़ी होने की वजह से हर बार आरसीबी वाले ऑक्शन के अंदर बॉलर खरीदने के लिए बैठते हैं, लेकिन आखिर में वो अपनी पॉकेट मनी का बहुत बेस्ट यूज करते हुए वर्ल्ड के बेस्ट बॉलरों को अपनी टीम का पार्ट बना लेते हैं और फिर पूरी टीम की वाट लगा देते हैं। अब इसी आईपीएल ऑक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। इस आईपीएल ऑक्शन के अंदर आरसीबी ने जिन जिन बॉलरों को उठाया वो अगले सीजन गुजरात की तरफ से खेल कर आए हैं, मतलब गुजरात वालों ने उसको निकाल दिया है और कह दिया कि हमें इस बॉलर से उम्मीद नहीं है। मतलब जिस बॉलरों से गुजरात के कोच आशीष नेहरा को उम्मीद नहीं है, उस बॉलरों से आरसीबी वालों के मैनेजमेंट वालों को उम्मीद है। और शायद उम्मीद है इसीलिए आरसीबी वालों ने गुजरात के बॉलरों को उठा लिया है, जैसे कि अल्जारी जोसेफ, यश दयाल, अल्लोगी फर्ग्यूसन, ये तीनों के तीनों बॉलर अगले सीजन गुजरात की तरफ से खेलते थे। अब आरसीबी के पास चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी तो है नहीं, जो फ्लॉप से फ्लॉप बॉलर के पास भी बेस्ट बॉलिंग दिलवा देंगे। तो आरसीबी वाले कौन से प्लेयर की उम्मीद पर इन बॉलरों को खरीदते हैं कि इस बॉलर इसके अंदर जान फूंक देगा और ये बॉलर बेस्ट से बेस्ट देगा। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बॉलर कमजोर है, नहीं, यश दयाल भी बेस्ट बॉलर है, अल्जारी जोसेफ भी बेस्ट बॉलर और अल्लोगी फर्ग्यूसन भी बेस्ट बॉलर है, तीनों के तीनों बॉलर बेस्ट है। एक बॉलर होता है बेस्ट बॉलर, एक होता है एवरेज बॉलर, तो मतलब ये तीनों के तीनों बॉलर एवरेज बॉलर की लिस्ट के अंदर आते हो। लेकिन खैर अब बात करते तीसरी वजह की, तो तीसरी वजह है बेस्ट फिनिशर ना होना। अब T20 फॉर्मेट में एक फिनिशर कितना जरूरी होता है मेरे को किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक फिनिशर जब तक मैदान पर होता है पूरी टीम की उम्मीद उस प्लेयर से होती है कि प्लेयर है तो हम अपने टारगेट स्कोर तक पहुंच जाएंगे या फिर हम ये मैच जीत जाएंगे। अब बात करता हूं मैं आरसीबी वालों की फिनिशिंग की, तो अभी के वक्त में मैक्सवेल है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं ऑल ओवर आईपीएल सीजन की। तो ऑल ओवर आईपीएल सीजन के अंदर देखा जाए तो आरसीबी वालों के पास कभी भी ढंग का फिनिशर नहीं आया है। तो एक वजह यह भी रही है कि जहां पर आरसीबी वालों को बेस्ट फिनिशर की जरूरत थी वहां पर उसकी टीम के अंदर कोई बेस्ट फिनिशर अवेलेबल ही नहीं था और आखिरी वक्त के अंदर यानी कि क्रूशियल मोमेंट पर आरसीबी वाले वहां पर लड़खड़ाते हुए नजर आए और मैच अपने हाथ से गवा बैठे। अब इस आईपीएल सीजन की बात करूं तो आरसीबी के पास मैक्सवेल है, लेकिन मैक्सवेल के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है और बाकी सभी टीमों के पास दो दो ऐसे ऑप्शन है जो एक प्लेयर नहीं चला तो दूसरा प्लेयर भी आखिरी वक्त पर मैच को फिनिश कर सकता है या फिर सर्वाधिक स्कोर बना सकता है, जैसे कि गुजरात के पास है राहुल त्रेवटिया और राशिद खान, चेन्नई के पास है महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, लखनऊ के पास है निकोलस पुरन और टॉइनिस, मुंबई के पास है मोहम्मद नबी और हार्दिक पांड्या। मतलब हर टीम के पास दो दो ऐसे प्लेयर है जो अपनी टीम के आखिरी बैटिंग के वक्त बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर सकते और बेस्ट दे भी सकते हैं। तो यह भी एक वजह है कि आरसीबी वाले कहीं ना कहीं पर वहां पर भी थोड़े कमजोर नजर आते हैं। लेकिन खैर अब बात करते आखिरी वजह की, जिसकी वजह से आरसीबी वाले हर वक्त थोड़े थोड़े कमजोर नजर आते और वो है उसका घरेलू मैदान चिन्ना स्वामी का मैदान। पहले तो बेंगलुरु वालों का मैदान बहुत ही छोटा सा है
और ना ही बेंगलुरु वालों के पास ऐसे ढंग के बॉलर होते हैं जो आसानी से रन बसा पाए और सामने वाली टीम को कम से कम स्कोर तक रोक पाए। लेकिन यहाँ पर आरसीबी के बॉलर सामने वाली टीम की तरफ से खेलने के लिए आते हैं और अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए सामने वाले बल्लेबाजों को आसानी से रन देते हुए सामने वाली टीम का 200 प्लस का स्कोर आसानी से बना देते हैं या फिर उस टीम का रन चेंज भी करवा देते हैं। तो आधा काम तो आरसीबी के बॉलर ही कर देते हैं। और खास बात तो यह है कि हमारी भारतीय पिच स्पिनर गेंदबाजों को बहुत ही सपोर्ट करती है। अब युजवेंद्र चहल को आरसीबी वालों ने क्यों निकाला वो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन जब से चहल भैया को निकाला है तब से आरसीबी वालों की स्पिनर बॉलिंग की स्पिन गेंदबाजी पूरी तरीके से तितर बितर हो गई और ना ही अभी तक चहल का रिप्लेसमेंट ढूंढ पाए है। हाँ, करण शर्मा को उसका रिप्लेसमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहाँ चहल और कहाँ करण भैया। तो कहीं ना कहीं पर जब से चहल गए हैं तब से आरसीबी वाले पिन गेंदबाजी के चलते डेढ़ ओवर के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा रन खा लेते हैं और कहीं ना कहीं पर वहीं पर आधी मैच हार जाते हैं। तो एक वजह यह भी है। आपका इस पर क्या प्रेडिक्शन है वो मुझे कॉमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते। मेरा तो यही मानना है कि आरसीबी वाले कहीं ना कहीं पर पिन गेंदबाजी के चलते थोड़ा थोड़ा बॉलिंग के अंदर वीक नजर आते हैं। तो बस दोस्तों, यही थी कुछ ऐसी आरसीबी की वजह जिसकी वजह से आरसीबी वाले बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाते और फाइनल तक लड़खड़ाते हुए अगर पहुंच भी जाते हैं तो फाइनल नहीं जीत पाते। आपकी इस पर क्या राय वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएगा। कल मिलते किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।